से आप वापस से सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए, ये होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन में जाइए। होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन में जाने के बाद आपको आपको मिलेगा यहाँ पे होम स्क्रीन मोड, पहला ऑप्शन, उस पर क्लिक करिए। जितने भी नीचे ऑप्शंस हैं आप देखिए, पर्सनलाइज सर्च से लेके, फिर आपका शो ऐप सजेशन से लेके, डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉअर, सारे के सारे, लास्ट वाला ऐड ऐप सर्च नोटिफिकेशन ड्रॉअर, सब बंद कर दीजिए, ठीक है। और बाहर आ जाइए और चेक कर लीजिए कि सब बंद है। हाँ, सारे आपने यहाँ से क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। बार बार ऐप हटा रहे हैं फिर भी ऐप्स आ जा रहे हैं, तो उसको सही करने का तरीका है, फ़ोन मैनेजर में जाइए, यहाँ पे ऑप्टिमाइज में जाइए। रियलमी 11 प्रो ये फ़ोन है और इसमें आप ऐप मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए जो रिकवर ऐप्स दिख रहा है, चार ऑप्शन है, ऐप अपडेट्स, माई ऐप्स, अनइंस्टॉल ऐप्स और रिकवर ऐप्स, इस पर जाइए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा, अलाउ रिकवर ऐप्स टू सेंड यू नोटिफिकेशन, डोंट अलाउ करिए, इसको अलाउ मत करिए। और यहाँ पे रिकवर सिस्टम ऐप्स में तीन डॉट है, इस पर जाइए। इन तीन डॉट्स पे जाएंगे तो सेटिंग्स पे आएगा, सेटिंग्स पे जाइए और इस पर देखिए ये ऑन है, रिकवर सिस्टम ऐप्स, तो ये ऑन है, इसको आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अब ये रिकवर नहीं करेगा जिन जिन ऐप्स को आप, अनवांटेड ऐप्स को जिनको आप नहीं चाहते हटाएंगे तो दोबारा रिकवर नहीं होंगे। अब यहां से आप बाहर आ जाइए, सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाके लास्ट में आएगा अबाउट डिवाइस, इसमें लास्ट में आपको जाना है एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स में, इसमें इन दोनों को बंद कर देना है, जॉइन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम, सिस्टम स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है। गेम सेंटर के बगल में आप देखिएगा, इसमें रियलमी 11 प्रो में ये देखिए, ये गेम सेंटर है और गेम सेंटर के बगल में यहाँ पे लेफ्ट साइड देखिए गेम्स है, तो गेम्स के जैसे गेम सेंटर पर हमने सारे फंक्शंस को किया, अब हम गेम्स में भी करेंगे, तो इसको लॉन्ग प्रेस करके रखिए, ठीक है। ऐप इन्फो पे जाइए, उसके बाद सबसे पहले आप इन्फो पे जाके आप इसको देखिए, नोटिफिकेशन डिनाइड है, परमिशंस पे जाइए, नो परमिशन अलाउड, ठीक है। यहाँ पे जो इसका डेटा है, स्टोरेज आप देखिए, स्टोरेज यूजर आप जाइए, कैश है आप इसका पहले क्लियर कर दीजिए, फिर आप इसका डेटा क्लियर कर दीजिए, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आप इसको बाहर आइए, इसके बाद आप क्या करिए, डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स तो अलाउड है, तो यहाँ पे इसको आप इसको बंद कर दीजिए। फिर इसके बाद ओपन बाय डिफॉल्ट है तो आप इसको, ये तो बंद है तो ठीक है, उसके बाद फिर इसको आप डिसेबल कर दीजिए, डिसेबल ऐप, ठीक है। पहले आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपका एडिशनल सेटिंग्स आएगा, आप यहाँ पे देखिए, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे अब आएगा आपका एडिशनल सेटिंग्स, ये रहा एडिशनल सेटिंग्स। इसके बाद फिर आप जाएंगे एडिशनल सेटिंग्स के बाद आप जाएंगे यहाँ पे ऐप्स में आप जाएंगे, ठीक है। गेट रिकमेंडेशंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, गेट रिकमेंडेशंस पे जाइए और गेट रिकमेंडेशन जाके इसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। फोन मैनेजर में जाना है, यहाँ पे आपको जाना है ऐप मैनेजमेंट में, और यहाँ पे आप देखिए ऐप अपडेट आ रहा होगा, ऐप अपडेट्स, तो उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए फिनशियल पे ये बार बार आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से क्या करिएगा, यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे लिख दीजिए ऑलवेज इग्नोर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, चलिए। Realme 11 Pro में ऑटोमेटिकली गेम्स जो इंस्टॉल हो जाते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले गेम सेंटर पे जाइए, ये रहा गेम सेंटर, ठीक है। गेम सेंटर पे आप जाइए तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको बस प्रेस करके रखना है, ठीक है। प्रेस करके आपने रखा, अब यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन, इसको आपको ये यहाँ पे तीन ऑप्शन है नीचे, तो ये आप क्रॉस से जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला ऑप्शन, इसको आपको टच करना है, यहाँ देखिए आप इसको आप प्रेस करके रखेंगे, फिर आप इसको टच करेंगे, ठीक है। तो ये खुल गया, आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको क्या करना है कि जो इसका स्टोरेज यूज है आपको इसको आपको सब हटाना है, तो क्लियर कैशे कर दीजिए, क्लियर डेटा कर दीजिए, ठीक है, डिलीट। इसके बाद बैक आ जाइए, मैनेज नोटिफिकेशंस में जाइए और इसको नोटिफिकेशंस इसका यहाँ पे बंद कर दीजिए, ठीक है, बंद हो गया।
उसके बाद फिर डेटा यूजेस में जाइए और फिर आप इसको यहाँ पे आप ये देखिए डिजेबल ऑटोमेटिकली आप देखिए तो ये मोबाइल डेटा जो है ये डिजेबल्ड है, डिजेबल वाईफाई भी डिजेबल है टोटल, और यहाँ पे ये बैकग्राउंड डेटा इसको आप डिजेबल कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया, बैक आ जाइए। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखिए पॉज ऐप एक्टिविटी इफ अनयूज्ड, इसको आप ये ऑन, इसको आप बंद कर दीजिए। ओपन बाय डिफॉल्ट, ओपन बाय डिफॉल्ट पे जाइए और इसको आप ओपन सपोर्टेड लिंक्स को भी बंद कर दीजिए। ठीक है, देख लीजिए इसमें और कुछ अगर रहता है तो मैनेज नोटिफिकेशन पर मैंने यहाँ पे इसको डिनाई कर दिया है। परमिशंस में जाइए और परमिशंस में देखिए नो परमिशन अलाउड है, कुछ भी नहीं। ठीक है, लास्ट में बाहर निकलने से पहले आप इसको, ये डिजेबल ऑलरेडी है, इसको आप फोर स्टॉप एक बार आप करके देख सकते हैं, आप इसको कर दीजिए। वैसे ये डिजेबल्ड है, ठीक है, तो ये अब ऐप ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। और यहां से आप इसको अब रिमूव कर दीजिए, ये रिमूव हो गया। 11 प्रो में सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे ऐप मैनेजमेंट में, ऐप्स के अंदर ऐप मैनेजमेंट, और इसमें फिर हम लोग जाएंगे तीन डॉट्स पे, तीन डॉट्स पे आएगा सोर्स सिस्टम। सोर्स सिस्टम में आपको सर्च करना है, एक पहला सर्च करना है आपको सिक्योरिटी एनालिसिस यहाँ पे लिख के, और सिक्योरिटी एनालिसिस मैंने अभी डिसेबल कर दिया है तो अभी नहीं आएगा। आपको यहाँ से सर्च करके सिक्योरिटी एनालिसिस आपको उसको डिसेबल करना है, और दूसरा आपको जो सर्च करके डिसेबल करना है वो है ग्लैंस फॉर रियलमी, ग्लैंस फॉर रियलमी, ये देखिए ग्लैंस फॉर रियलमी डिजेबल्ड है यहाँ पे। तो सिक्योरिटी एनालिसिस पहला और दूसरा ग्लैंस फॉर रियलमी, ये दोनों सर्च करके यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे आप जाएंगे तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे डिजेबल कर रखा है। ठीक, तो आप इसको यहाँ पे जाके डिजेबल कर दीजिएगा। और बाकी जो भी ब्लोटवेयर्स हैं या बाकी जो भी ऐसे अनवांटेड ऐप्स हैं उसको आप मैनुअली जाके डिजेबल कर या अनइंस्टॉल कर दीजिए। सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में आप यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपको दिखेगा प्राइवेसी का, यहाँ पे इस पर जाइए और यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में जाइए। ठीक है, इस एडवांस सेटिंग्स में आपको दिखेगा एड्स, एड्स पे जाइए, डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पे चले जाइए, तो इसमें आप इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, फिर आप इसको पीछे आइए, फिर यहाँ पे यूजर एंड डायग्नोस्टिक्स में जाइए और यहाँ पे यूजर एंड डायग्नोस्टिक्स में आप इसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है,